नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसोसिएट्स टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। आज हम बात करेंगे मई 2022 की। जी हां, हम जानेंगे मासिक राशिफल मई 2022 का और जानेंगे कि आपकी राशि के लिए, यानी कि आप जिस राशि में जन्मे हैं, आज जो आपकी चंद्र राशि या जन्म राशि है, उसके लिए आने वाला मई का महीना साल 2022 में कैसा रहने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बात करते हैं आपकी राशि की। चलिए बात करते हैं आपके कुंभ राशि की। सबसे पहले बात करेंगे करियर की, जिसके लिए समय अच्छा रहेगा। माह के पूर्वार्ध में कर्म क्षेत्र यानी कि दशम भाव के स्वामी मंगल प्रथम भाव में शनि के साथ रहेंगे। इसके अलावा दशम भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि रहेगी, इसलिए नौकरी करने वालों के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। नौकरी की तलाश में जुटे जातकों को अच्छी नौकरी मिल सकती है, वहीं रुका हुआ प्रमोशन हो सकता है। साथ ही पदोन्नति के पूर्ण आसार दिखते हैं। विदेशी नौकरी के मार्ग खुलेंगे। नई नौकरी के लिए प्रयत्न करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। व्यापारिक जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहने वाला है, लेकिन उसमें काफ़ी चुनौतियां भी आएंगी। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, काम को पूर्ण होने में ज़्यादा प्रयास होंगे। माह के उत्तरार्ध में सूर्य के चौथे भाव में बुध के साथ होने से व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा समय आएगा। प्रयासों में सफलता मिलेगी, सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे और यात्रा करने से व्यापार में अच्छा सफलता मिल सकती है। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी बुध के चतुर्थ भाव में स्थित होने से विद्यार्थियों के लिए समय सुकूनदायक रहेगा। बृहस्पति के स्वराशि में दूसरे भाव में शुक्र के साथ होने से कला, संगीत और खेलकूद के क्षेत्र में आप सफलता अर्जित करेंगे। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे विद्यार्थियों के लिए अभी ज़्यादा समय अनुकूल नहीं है, इसलिए थोड़ा इंतज़ार करें और मेहनत ज़्यादा करें। उत्तरार्ध में चतुर्थ भाव में बुध के साथ सूर्य का युक्त होना उच्च शिक्षा के लिए लाभदायक रहेगा। अगर प्रयास करेंगे तो शिक्षा में सफलता भी मिल ही जाएगी। विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा रुकें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो समय अच्छा रहने वाला है। दूसरे भाव में स्वराशि के बृहस्पति के साथ शुक्र के होने से और शनि के साथ मंगल की युति पारिवारिक जीवन में प्यार तो दिखाएगी, कभी कभी अनबन भी। परिवार के सदस्यों में सामंजस्य दिखेगा, एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव भी रहेगा। बड़े बुजुर्गों का महत्व मिलेगा। बड़ों का साथ मिलने से घर से जुड़े फैसले आसानी से लिए जाएंगे। घर के युवा सदस्य भी पहले से ज़्यादा जिम्मेदार नजर आएंगे। वहीं तीसरे भाव में राहु के होने से भाई बहनों से हल्की फुल्की झड़प हो सकती है। आप उनकी बात और राय को अहमियत देने की कोशिश करें, उनको दरकिनार किए जाने का एहसास नहीं होना चाहिए। भाइयों के साथ हल्के फुल्के आनंद के क्षण बिताने से आपस में प्रेम बनेगा और मन का गुबार भी निकल जाएगा। परिवार में स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि इस दौरान पारिवारिक सदस्यों के बीमार होने के योग बनेंगे। विशेषकर माता पिता का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि बात करें आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की तो प्रेम संबंधी मामलों के लिए समय अनुकूल है। प्रेम भाव के स्वामी यानी पंचम भाव के स्वामी बुध चौथे भाव में रहेंगे, इससे आपको लाभ होगा। इस दौरान आप अपने प्रियतम के साथ ज़्यादा लगाव महसूस करेंगे। दोनों के बीच रोमांस बढ़ेगा, उनके सामने अपने दिल की बात कहने का मौका भी प्राप्त होगा। साथ में कहीं घूमने फिरने और पार्टी करने के अवसर मिलेंगे। इस समय आपके रिश्ते में गंभीरता आएगी और विवाह के बारे में विचार करेंगे। जो जातक किसी को मन ही मन पसंद करते हैं, उनके लिए प्रपोज करने का यही सही समय है। साफ गोई और हिम्मत से अपने दिल की बात कहें। माह के उत्तरार्ध में सूर्य के बुध के साथ युक्त होने से और सप्तम भाव में शनि देव की पूर्ण दृष्टि होने से विवाहित लोगों के लिए कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आपके प्रेम में कमी आ सकती है और मन में खटास हो सकती है। जरूरी है कि आप काम से वक्त निकालकर जीवन साथी के साथ समय बिताएं। कहीं बाहर घूमने फिरने या यात्रा पर जाने से पुराना रोमांस फिर लौट कर आ सकता है। ससुराल पक्ष पर टिप्पणी करने से बचें, क्योंकि ये झगड़े की बड़ी वजह बन सकता है। संतान के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। आर्थिक जीवन की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। दूसरे भाव में बृहस्पति और शुक्र के होने से फायदा होगा। व्यापारिक दृष्टि से मजबूत रहेंगे और व्यापार में विदेशी धन का आगमन होगा। शिक्षा के हर क्षेत्र से आपको इस समय अच्छे परिणाम मिलेंगे। ट्यूशन इत्यादि से जुड़े शिक्षकों के लिए समय काफ़ी अच्छा है। आपका संघर्ष और आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। आपकी पहचान बनते ही धन का आगमन भी शुरू होगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। महीने के उत्तरार्ध में और अधिक खर्चे के योग बनेंगे। आपको खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। घर का बजट बनाएं और उसके मुताबिक ही खर्च करें। कारोबार में किया हुआ निवेश इस वक्त आपको फायदा देगा। अगर कारोबार में निवेश करना चाहते हैं तो आसानी से पूंजी का इंतजाम हो जाएगा। परिवार और विशेषकर पिता इस मामले में सहयोग देंगे। इस दौरान आप अपने पुराने कर्ज चुकाने में कामयाब रहेंगे। जो जातक शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। कुछ छोटी कंपनियों के शेयर आपको बड़ा मुनाफा दे सकते हैं, लेकिन सावधानी और विशेषज्ञ की सलाह से ही निवेश करें।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय कमजोर है। आपको स्वास्थ्य संबंधी कष्टों से मुक्ति मिलेगी, पुराने रोग का निदान होगा। छठे भाव में बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होने से गुप्त रोग जैसी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। हालांकि इस दौरान चर्बी से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। आप धूप में जाने से बचें, लंबी यात्रा के दौरान सावधानी रखें, मानसिक तनाव को अपने मन में ज़्यादा देर तक ना रखें। इस दौरान मानसिक तनाव बढ़ सकता है और डिप्रेशन आ सकता है। यदि इस दौरान ऐसे कोई लक्षण दिखें तो डॉक्टर से सलाह लें। आपको यह भी सलाह है कि दोस्तों के साथ भी कुछ समय गुजारें और अपनी मनपसंद जगह पर घूमने जाएं। काम के बोझ को दूर करने के लिए आपको खेलों में दिलचस्पी दिखानी चाहिए। इसके साथ ही खान पान का ध्यान रखें, वसायुक्त भोजन ठीक नहीं है, तली भुनी चीज़ों से परहेज करें। संभव हो तो किसी रिट्रीट सेंटर भी जा सकते हैं। उपाय के तौर पर पानी में काले तिल को डालकर निरंतर स्नान करें। शनि मंदिर में तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। चमेली के तेल का दीपक हनुमान मंदिर में प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को जलाएं और हनुमान जी की पूजा करें। अपने घर और मंदिर में भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक संपन्न कराएं। तो दोस्तों, ये था आपका मई 2022 का मासिक राशिफल। आशा करता हूँ इस राशिफल से आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाने की। आप सभी के लिए मई का महीना शुभ और मंगलदायक रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। फॉर रेगुलर अपडेट्स फॉलो अवर इंस्टाग्राम पेज राइट नाउ।